हितग्राहियों के खाते से पैसे उड़ाने वाला गिरोह एक्टिव। दो महिला सहित बुजुर्ग के साथ हुई ठगी। एयरटेल पेमेंट बैंक में खोला था फर्जी खाता। शिवपुरी जिले में गरीब किसानों के खातों में आने वाले आवास योजना की किस्त को हितग्राहियों के खाते उड़ाने वाला गिरोह सक्रिय है। इससे पहले पिछले मंगलवार को एक महिला के आवास योजना के तहत आई 50 रुपए की किस्त के पैसे को ठगों की ओर से निकालने का मामला सामने आया था। आज फिर मंगलवार को ठगी का मामला एसपी ऑफिस पहुंचा है, जहां दो महिलाओं सहित एक बुजुर्ग के खाते में आई आवास योजना सहित किसान सम्मान निधि के कुल 2,50,000 रुपए तीनों के बैंक खातों से निकाल लिए गए हैं। वहीं एसपी ऑफिस पहुंचे करेरा तहसील के सिलानगर पंचायत के राजवती पत्नी मुकेश आदिवासी, सविता पत्नी कल्लू आदिवासी और बेजू बेटा हल्के आदिवासी ने बताया कि 10 जुलाई को बाइक पर सवार होकर दो अज्ञात युवक आए थे, जिन्होंने आसमानी कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कही थी। वहीं इस दौरान तीनों ने मिलकर उन्हें अपने आधार कार्ड दे दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने आवास स्वीकृत होने के बारे में भी जानकारी ली थी, साथ ही उनके बैंक खातों में अंगूठा लगवाकर खाते में पैसे भी जांचे थे। सर पूछवा। क्या नाम है आपका? रजनी। कहां से आए हो? श्रीनगर से। क्या समस्या लेके आए एसपीओ पे? समस्या जी लेके आए के अभी आए बनवा भी आए थे भी आसमानी कार्ड। अच्छा। और सुबह के चक्कर में हमारे कुरियर के पैसा ले गए। कितना पैसे थे? गाँव में आते जिनके आते 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये। कौन लोग आए थे जानती हो उनको? नहीं जानते सर। घर पे ही आए थे? हाँ, घर पे आए थे। क्या बोले? क्या बोले थे वो? बोले क्या थे? ये जो बोले थे ये बना रहे आसमानी कार्ड भी बनवा लो तुम। हाँ, फिर सुबह ने आधार कार्ड मांगे खातों मांगो। फिर मैंने पूछी कि तुम्हारी आवाज़ किस चीज़ की आई है? तो हमने कही कि हमारी आई, हमारे बब्बा की आई। और भी उन की नहीं बनाए बिन्ने, हम नहीं बनाए। क्या क्या अंगूठे लगवाए बिन्ने? अंगूठे लगवा बिन्ने, खाते चेक करे बिन्ने। सुबह बोले कि अभी नहीं आए तुम्हारे पैसे कहीं। मैंने जो भी कही है। तुम्हें कब पता पड़ा? फिर चेक करा भी गए हम 2-3 बार हैं, पैसे नहीं आ रहे। मामा खाते में नहीं आ रहे? नहीं आ रहे खाते में। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी किस्त आई थी वो पैसे नहीं निकाल लिए? फिर हम करे रखा है सुडी बॉडी नहीं करवाई, वहाँ में पता पड़ रहा है किसी ने निकाल ली। तो बैंक मैनेजर से बात की थी आपने? बैंक में एयरटेल वो है कंपनी, वहाँ मैंने। इसकी शिकायत आपने कहाँ कौन कौन से विभाग में की है? हम तो वहीं गए थे खरेरा और अमोला में भुआई थी कबूतर भी। काई के पैसे थे आपके? कुटिल के। तो पहचान लोगे उनको? कौन थी वो? पहचान लेंगे। वहाँ तरफ की नहीं थी वो? ये तो भी हमारे कहते वहाँ सही पीस के। फिर जो है अब जो सही पता नहीं है, मैंने कभी हमारे जाई के ही है गाँव के, जो पता नहीं है वहाँ के। तो ये घटना और कोई की संग हुई? तुम्हारे संग? हमारे संग नहीं भाई, और किसी के संग नहीं। आपके कितने पैसे निकले? हमारे निकले 75। और दादा के? दादा के 1,00,000। 1,00,000 मेरे जमीन के आए थे और इनके और कुटिल के आए थे 75,000। तो थाने में शिकायत की आपने? नहीं जाया की बोली थी, जाया गए हम। आप फिर वहीं जाओ हसो। कब की बात है ये? 12-13 तारीख की बात है। 12 हमने निकाली, 13 हमने निकाली, 2-3 बार में निकले हैं मेरे पास।